देखिए आज हम लोग चलेंगे ओवरटर्निंग को। ओवरटर्निंग मीन्स जब गाड़ी कोई भी बस ट्रक जब सर्कुलर पाथ पर जाती है तो वो आउटवर्डली मतलब वो टॉपल करती है, रोटेट कर जाती है, रेडियस के आउटवर्ड वो फेंका मतलब बहुत हाई स्पीड से अगर जाए या गाड़ी का कंस्ट्रक्शन जो होता है उसको उस रेडियस पर आने में वो मूव करने में वो ट्रबल फील करता है, उसी को आज हम अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन ओवरटर्निंग को समझने के लिए आपको बेसिक्स जानकारी लेना पड़ेगा यहां पर, जिसका एक नाम है सेंटर ऑफ मास, या उसको 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 सेंटर ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, और एक टॉर्क। देखिए चूंकि ये आपका टॉपिक आगे बढ़ता है, सेंटर ऑफ मास कहिए या टॉर्क कहिए, लेकिन हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसे कैसे समझ सकते हैं जिससे कि एक साधारण मतलब हम लोग एवरेज आदमी भी इसको समझ ले। ठीक है, तो चलते हैं इस दोनों कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तब मैं भी चलूंगा ओवरटर्निंग को। देखिए होता क्या है, देखिए ये रॉड है, दोनों सेम रॉड है, ओके, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। ठीक है, अब देखिए आपने यहां पर इस बीच वाले पॉइंट को, बीच वाले स्पेशल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास, या इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ इनर्शिया, है ना। जैसे ये रॉड है ना, ये डस्टर, इसके बीच वाले पॉइंट को हम लोग यूनिफॉर्म डस्टर है, बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ इनर्शिया। अब आप ये देखिए, इससे थोड़ी दूर पर एक छोटा सा पोर्शन ले लीजिए जो कि ये शेडेड है यहां पर, और देखिए सेम रॉड का एंड पर वही छोटा सा पोर्शन लीजिए। अब मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन करता हूं, देखिए यहां पर कॉन्सेप्चुअल है, यहां पर मैं बेसिक क्वेश्चन आपसे करता हूं कि अगर आप यहां पर क्यू देंगे, क्यू मतलब एक झटका समझ जाइए, एक इंपल्स समझ जाइए, है ना, एक फिंगर से मैंने दे दिया और इसको भी सेम शेडेड पोर्शन को फिंगर से मैंने दे दिया। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि किस केस में इसका रोटेशन फास्ट होगा, या किस, या दूसरे शब्दों में किस केस में, केस वन केस टू, एक मिनट, केस वन केस टू, किस केस में ये हमसे ज्यादा एनर्जी ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, आप बताइए, सोचिए तब तक। देखिए होगा क्या इसमें, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है ना, इसको देखिए यही बेसिक्स है, आप फिजिक्स को ऐसे पढ़िए, IITs जो होते हैं, एडवांस जो होते हैं, या तो जो भी इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो एकदम हल्का चीज को आपको मांगता है और फिर उसको मैथमेटिकल रूप दे देता है ना, क्वालिटेटिवली इंपॉर्टेंट होता है और उसको क्वांटिटेटिवली वो आपसे मैग्नीट्यूड को मांगता है। ठीक है, अब देखिए अगर आप यहां फोर्स लगाएंगे तो देखिए भाई साहब यहां पर क्या कहेंगे कि यहां पर फोर्स लगाएंगे तो ये आगे जाना चाहेगा, ओके, और यहां पर फोर्स लगाएंगे तो ये भी जाना चाहेगा, ये छोटा सा पोर्शन। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर दो दो पोर्शन, जब ये आगे जाना चाहेगा तो ये जो बड़ा सा पोर्शन है ये, और ये जो राइट वाला पोर्शन है वो उसको नीचे की ओर फोर्स लगा देगा दोनों मिलके, तो होगा क्या, ये स्लो पड़ जाएगा, ये स्लो पड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। और एक बात आप कहिए, मतलब मैं यही कह रहा हूं कि जहां पर आप क्यू और जहां पर आप झटका देंगे तो वहीं पर प्रभाव ज्यादा रहेगा उस फोर्स का, क्योंकि आप समझते ना, फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, तो इसमें इनर्शिया है, जैसे आप फोर्स देंगे तो यहां पर इस पर ज्यादा इफेक्ट होगा, वो इफेक्ट ट्रांसफर होगा, इनर्शिया के कारण ट्रांसफर होने में टाइम लेगा, इधर भी ट्रांसफर होने में टाइम लेगा। अब इस बात को आप समझ लें, अब देखिए वही क्यू, वही झटका, वही इंपल्स आप अपने फिंगर से इसमें दीजिए तो क्या होगा, एकदम कॉन्सेप्ट देखिएगा, सेम स्ट्रेट पोर्शन है, तो यहां पर क्या कहेंगे कि यहां पर होगा वो तेजी से आगे जाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट में ही इनर्शिया है, आप देखिए लेफ्ट में इनर्शिया है, मतलब ये हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये पोर्शन तेजी से आगे जाना चाहेगा, आप सोचिए, तो तेजी से आना चाहेगा और ये इस क्यू और फोर्स के कारण जो डिस्टर्बेंस पहुंचेगा वो टाइम लेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मास है लेफ्ट साइड में, और यहां पर दो दो मास इसको पुल कर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें मिला आज, है ना। हम यही कहना चाह रहे भाई साहब कि अगर एंड पर सेम सेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो वो तेजी से जाएगा। अब आप एक और चलिए तरीके से समझिए, हाफ एम वी स्क्वायर इन एनर्जी होता है, या आप काइनेटिक एनर्जी बोलिए भाई साहब। अब देखिए दोनों में मास, आप बात को समझिएगा प्लीज,
ये भी m, ये भी m है, दोनों स्ट्रेट पोर्शन क्या है, मैंने सेम लिया है, लेकिन स्पीड यहां पर ज्यादा होगा क्योंकि जब आप फोर्स वही q, वही झटका या वही इंपल्स यहां पर देंगे ना, तो वो तेजी से रोटेट करेगा, वो तेजी से रोटेट करेगा ये पूरा बॉडी। हम क्या ओवरऑल कहना चाह रहे हैं कि ये रोटेशन फास्ट होगा जब आप एंड पर फोर्स लगाएंगे तो। क्यों भाई साहब? क्योंकि ये डिस्टरबेंस यहां तक रीच होने में टाइम लेगा ड्यू टू इनर्शिया, और ये बहुत ही तेजी से भाग जाएगा, इसी को टॉर्क कहते हैं, है ना। तो ये मैथमेटिक्स में एक टर्म डिफाइन किया गया, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जो कि हम लोग आगे चलेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको अचीव होगा। और मैं आपको ये बता दूं, मैंने बहुत पहले आई थिंक वन ईयर बिफोर टॉर्क का बहुत अच्छा क्लास लिया है, मैं सही बोल रहा हूं, आप उसको जाके देखिए, मजा आ जाएगा, है ना। चलिए तो आप इसको ध्यान दे दीजिए, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा हुआ, है ना, आप टॉर्क को समझ गए बहुत ही बेसिक से, ठीक है, ओके। अब देखिए इस केस को ध्यान से देखिएगा, ये यूनिफॉर्म रॉड है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, और इसके बीच में झटका दीजिए जिसको फोर्स बोलेंगे या क्यू बोलेंगे या सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, ये वो फोर्स और क्यू बोलेंगे, इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ इनर्शिया। अब देखिए क्वाइट इंटरेस्टिंग चीज होगा, है ना। अब देखिए होगा, यहां पर जब आप झटका देंगे क्यू देंगे तो ये स्ट्रेट जाएगा सीधा विदाउट रोटेशन, ऑफकोर्स क्योंकि डिस्टर्बेंसेज, देखिए ऐसे जाएगा डिस्टर्बेंसेज, फोर्स के कारण इनर्शिया ऐसे डिस्टर्ब होगा दोनों तरफ। तो आप ये देखिए इक्विडिस्टेंट पॉइंट ले लीजिए, यहां से x दूरी पर और यहां से x दूरी पर, मैंने सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट लिया है, तो यहां पर जितना वेलोसिटी, जितना एक्सेलरेशन होगा, यहां भी वही वेलोसिटी, वही एक्सेलरेशन होगा इस मास का, दोनों सेक्शन वाले, दोनों सिलेंट पोर्शन वाले मास का, ओके। अब आप ये देखिए, तो हम यही कहना चाह रहे हैं यहां पर कि आप समझिएगा वैसा, दोनों सेक्शन का सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन रीड होगा, तो एक क्वेश्चन एराइज होता है कि इसका भी वही मास का सेम वेलोसिटी, सेम सेक्शन एराइज, सेम एक्सेलरेशन एराइज होगा। देखिए क्वाइट इंटरेस्टिंग है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो आप बात को समझिए, क्योंकि यहां पर ये छोटा सा सेक्शन है, छोटा सा सेक्शन का मास भी छोटा होगा, मास छोटा होने से यहां पर डिस्टर्बेंसेज आएगा ना, तो डिस्टर्बेंस लेंथ ट्रैवल कर रहा है फोर्स के कारण, इनर्शिया प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इनर्शिया, तो ये डिस्टर्बेंस आने में टाइम लगेगा, तो ये मास भी तो कम है ना भैया, तो ये बैलेंस कर लेगा मास इनटू एक्सेलरेशन, इस क्रॉस सेक्शन में फोर्स की मैग्नीट्यूड कम होगा, वो झटका का इफेक्ट कम होगा। आप ये सोचिए जहां पर फोर्स लगाएंगे वहीं पर इफेक्ट क्या होता है, वहीं पर इफेक्ट भाई साहब क्या होता है, ज्यादा, है ना, ठीक है ना, और इफेक्ट इनर्शिया के कारण ट्रांसफर होने में टाइम लगता है। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अब हम ओवरटर्निंग को समझ सकते हैं, ओके। चलिए